इतना कहना चाहती हूँ कि शी वॉज 20 ईयर ओल्ड. अगर 2018 में वो कोई इंटरव्यू दे रही है जहाँ पर वो कह रही है कि शी इज़ फाइटिंग डिप्रेशन एंड शी इज़ नॉट मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग, तो उससे उसकी फैमिली के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर. शी वॉज द अर्निंग मेम्बर ऑफ द फैमिली. तो एक प्रेशर होता है कि आप जो यू नो अपना काम कंटिन्यूसली करते जाओ, मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़े लोग ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर कि वो कैसे कोप अप कर रहे हैं वर्क स्ट्रेस के साथ, बिकॉज टेलीविजन वर्क इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. मैंने भी लाइफ में एक दो सीरियल किए हैं एंड हम लोग जोर ज़बरदस्ती से बोलते थे कि हम 12 घंटे हो गए हम घर जा रहे हैं, बट न्यू कमर्स आई थिंक दे वर्क 15 आवर्स एंड इफ दे आर लीड इन द शो देन आई थिंक उनके साथ टाइम फ्रेम होता नहीं है. तो एक तरीके से मेंटल हेल्थ इज़ नॉट मेंटेन फॉर टीवी एक्टर्स एंड आई फील दैट इज़ रॉन्ग. साथ साथ में मुझे नहीं पता कौन सा दूसरा एंगल है, मगर जो भी एंगल है लेट द पुलिस एंड द प्रॉपर एजेंसीज डू द इन्वेस्टिगेशन. भैया नहीं बच्चों कहना चाहूँगा, ये प्यार मोहब्बत से दूर रहो, अपना करियर बनाओ, फोकस करो. ये फालतू की चीज़ें कह रहे हैं कि भैया 20 साल की एज क्या होती है और माता पिता की ड्यूटी है कि उनको मॉरल वैल्यूज दो. जी वैल्यूज दो, ये कुछ नहीं है. जो आजकल की जो पढ़ाई है ना वो हमें लिविंग तो दे रही है, रोजी रोटी, मगर लाइफ नहीं दे रही है. देखो तो उसके लिए वैल्यूज पे वो करो, फोकस करो, करियर बनाओ. थैंक यू, थैंक यू सर, हैप्पी जर्नी. हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी सर.